सो हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यस पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेक्चर 1 में। नाउ लेक्चर 2 में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, नाउ जिन लोगों को नोट्स इस चैप्टर का नहीं मिला है, यस कमेंट बॉक्स पे आप नोट्स ले सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स आपको उसका लिंक मिल जाएगा और नीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले, वहां पे इसका 33 इयर्स का टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको टॉपिक के बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको लगाना है, ठीक है। आप ये ट्राई करें हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज अपना लगा लें, क्योंकि आपका जो ऐप है नीट पीडीएफ ऐप जो है उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाल दिया गया, अपलोड कर दिया गया है विद सॉल्यूशन, ओके। सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ ये देखें, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नाउ ये आपका फ्रंट व्यू है, ठीक है, सॉरी ये बैक व्यू है, ठीक है। इस तरह से व्यू लिया गया है, ड्रॉ किया गया है, ओके। नाउ और ये जो व्यू है वो इस तरह से किया गया है, ओके। ये इस तरह का सेक्शन है और ये इस तरह का सेक्शन है। नाउ एक बात देखिए, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका जनरल आइडिया आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया है, एक जनरल आइडिया आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। यहां पे क्या क्या होता है, ग्लैंड्स होगा, यस ग्लैंड्स होगा, डक्ट्स होगा, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा वो टेस्टिस होगा। आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है बोलिए, डक्ट्स आता है और ग्लैंड्स आता है। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था आपका, यस टेस्टिस। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था टेस्टिस, ओके। नाउ टेस्टिस में हम लोग लोकेशन पढ़ चुके थे, टेस्टिस में हम लोग लोकेशन पढ़ चुके थे। नाउ अब जो हमको आगे पढ़ना है वो डिटेल्स ऑफ टेस्टिस पढ़ना है, ओके। चलिए, सो टेस्टिस, ओके। नाउ सो सबसे पहली बात टेस्टिस का एक हम लोग को ट्रांसवर्स सेक्शंस देखना है, टेस्टिस के बाहर पेरिटोनियल कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यस ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। और ये पेरिटोनियल कवरिंग जो होता है डबल लेयर्ड कवरिंग होता है, ये पेरिटोनियल कवरिंग जो होगा बोलिए कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये डबल लेयर्ड कवरिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है ना। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है, वो कैसा कवरिंग है बोलिए, दिस इज डबल लेयर पेरिटोनियल कवरिंग, ओके। ट्यूनिका वेजाइनलिस के जस्ट नीचे एक टफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज यस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये कैसा होगा, व्हाइट फाइब्रस टफ टिश्यू, ओके। ना एक बात और ध्यान दीजिए, ना ये जो मीडियस सॉरी ये जो आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये डिसेंड करता है और टेस्टिस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला कंपार्टमेंट जो होगा वो बड़ा कंपार्टमेंट होगा, पीछे वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो छोटा कंपार्टमेंट होता है। अगेन ये जो है मेडिसिनल से इस तरह से पार्टीशन वॉल छोटा छोटा और डेवलप होता है, जिसके कारण ये जो एंटीरियर चैम्बर है बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, एंड दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज यस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसको हम लोग बोलते हैं
यस टेस्टी कूलर लोब्यूज, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूज का जो नंबर होता है एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है 250 पर टेस्टिस होता है, 250 पर टेस्टिस अप्रॉक्स, 250 पर टेस्टिस होगा, ओके अप्रॉक्स 250 पर टेस्टिस होगा, 250 पर टेस्टिस, ओके। नाउ एक बात और ध्यान दीजिए, आप एक बात और ध्यान दीजिए, नाउ इसके अंदर एक और लेयर पाया जाएगा, इसके अंदर एक और लेयर पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वस्कुलोसा, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वस्कुलोसा। नाउ दिस इनर मोस्ट लेयर इज यस ट्यूनिका वस्कुलोसा, ये जो लेयर होता है हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर लेयर दैट मींस ब्लड वेसल्स से रिच होगा, दीज आर द व्हाट हाईली वस्कुलर लेयर, दीज आर व्हाट हाईली वस्कुलर लेयर। नाउ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अब ये जो स्पेस है यहां पे कॉइल ट्यूब पाया जाता है, ये जो स्पेस है यहां पे कॉइल ट्यूब पाया जाता है, दीज ट्यूब्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, इस ट्यूब्यूल्स का नाम है यस दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना। ये जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दैट मींस स्पर्म फॉर्मिंग ट्यूब्यूल्स है, इसका नंबर जो होता है 1, 2, 3 पर लोब्यूल, 1, 2, 3 पर लोब्यूल। ना अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है यस पर टेस्टिस नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो सकता है, देखिए लोब्यूल्स कितना है 250 है और ये कितना होता है 1 से 3 दैट मींस 250 से लेकर 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर टेस्टिस हो सकता है, पर टेस्टिस हो सकता है। ना एक बात और आप ध्यान दीजिए ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। नाउ ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहां पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, यस हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, ओके। ना एक बात और ध्यान दीजिएगा ना अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये यहां स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा, ये स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा, दिस ट्यूब इज नोन एज ट्यूबुली रेक्टी, इसको हम क्या बोलेंगे ट्यूबली रेक्टाई, रेक्टी आप बोल सकते हैं। नाउ ये सारा का सारा यस क्या ट्यूबली रेक्टी मिल जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज यस रीटेन टेस्टिस, जाल जैसा एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, यस दैट इज कॉल्ड एज रीटेन टेस्टिस। नाउ अब रीटेन टेस्टिस के बाद यहां से डक्ट्यूल्स निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज यस वासा इफरेंसिया, क्या निकलेगा बोलिए यस वासा इफरेंसिया, क्या निकला बोलिए आपका भाषा इफरेंसिया। ना ये भाषा इफरेंसिया निकलकर फिर यहां पे एक कॉइल ट्यूब बनाएगा, दिस कॉइल ट्यूब इज नोन एज
एपीडी डाइमिस, ठीक है, ये एपिडाइमिस का तीन पार्ट होगा। यस, हेड वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैपर्ट, हेड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैपर्ट, मिड वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है तिल वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉडा। यहां पे जगह नहीं है, मैं इसको लिख रहा हूं, यस कॉडा एपिडाइमिस। ओके ना, उसके बाद फाइनली ये एक सिंगल ट्यूब फॉर्म करेगा, एक सिंगल ट्यूब फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज वास्ट डिफरेंस। एक सिंगल ट्यूब ये फॉर्म करता है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। ना एक बार फिर से मैं पूरा आपको डायग्राम समझाता हूं, ठीक है। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख रहे हैं जो सबसे बाहर का कवरिंग है, डबल लेयर पिटोनियल कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज यस ट्यूनिका वजाइनलिस। ओके, ट्यूनिका वजाइनलिस डबल लेयर पिटोनियल कवरिंग, उसके नीचे पाया जा रहा है ट्यूनिका एल्बुजेनिया, वो डिसेंड करके इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, एंटीरियर वाला जो है बड़ा चेंबर है, पोस्टीरियर वाला जो है वो छोटा चेंबर है। ओके ना, एक बात और ध्यान दीजिए, और उसके बाद ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस पाया जा रहा है उसका, जिसका नंबर होता है 1 से 3 पर लोब्यूल। ओके, जो स्पेस इसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, और वहां पे जो सेल्स स्पेशल पाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स और सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लीजिए, ये बनाया क्या, ट्यूबली रखती, तो पहले स्पर्म फॉर्म होगा कहां, सेमीफेरस ट्यूब्यूल में, फिर कहां जाएगा, ट्यूबली रेक्टाई के पास, फिर कहां जाएगा, रिटेड टेस्टिस के पास, फिर कहां जाएगा, बोलिए वास डिफरेंसिया, फिर कहा जाएगा एपिडाइमिस के पास, फिर कहा जाएगा वास डिफरेंस के बाद। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, यस पाथवे ऑफ स्पर्म को अरेंज करिए, पाथवे ऑफ स्पर्म को अरेंज करिए, ठीक है। देखें एपिडाइमिस का फंक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एपिडाइमिस का जो फंक्शन है उसको याद करने का ट्रिक है, यस एमएमएस। एमएमएस क्या होता है, स्पर्म गेट मैच्यूरेशन, स्पर्म का क्या होगा बोलिए, मैच्यूरेशन। दूसरी बात, ये यहां पे इसको मिलता है क्या, मोटिलिटी। और तीसरी बात, यहां पे स्पर्म थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, यस तो हो गया स्टोरेज। ओके, तो हो गया, यस दिस इज द व्हाट फंक्शन ऑफ एपीडी epidermis, this is the what function of epidermis. Okay, now जब हम आगे बढ़ते हैं ना, पहले हम टेस्टिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ना ये डायग्राम आप देख रहे हो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये देख रहे हो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, फिर यहां से क्या बना है रिटेड टेस्टिस, और फिर आपका ये आपका क्या बन रहा है, यस ट्यूबुलरी रिटेड टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, ये रहा आपका एपिडाइमिस का तीन पार्ट, और ये रहा आपका वास डिफरेंस। जरा एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखिए ना, ये एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये सबसे बाहर पिटोनियल कवरिंग, फिर ट्यूनिका एल्बुजेनिया, अंदर में आप देख रहे हो बहुत सारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये रहा आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ट्यूबली रेक्टी बना, यहाँ पे रिटेड टेस्टिस डायरेक्ट दिखाया गया है, रिटेड टेस्टिस, ये वाला आप जो देख रहे हो, ये 15 से 20 डिफरेंट ट्यूब्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वास डिफरेंसिया, और फिर ये एपिडाइमिस बन रहा है, और फिर आपका ये वास डिफरेंस बन रहा है। तो ये जो अभी तक मैंने ट्यूब्यूल्स की बात की, अब तक एपिडाइमिस तक मैंने जो आपको ट्यूब्यूल्स का बात किया है, ये टेस्टिस के अंदर रहता है, सो दीज कैन बी कॉल्ड एज इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए इंट्रा टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। जरा एक बार इस डायग्राम को आप देखिए, ठीक है, अभी तक मैंने टेस्टिस के अंदर का बात किया है, अब हम टेस्टिस के बाहर का ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल है इसका कंसेप्ट, और लिडिक सेल्स जो है उसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ना ओके ना, ये सारा स्लाइड्स अगर आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करेंगे वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ओके, और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, नोट्स खाली आपको कमेंट करना है। चलें
नाउ एक बात मेरा ध्यान दीजिए, एक बात आप मेरा ध्यान दीजिए, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस जो है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस जो है ये ब्लाइंड ट्यूब है। क्या है भैया? ये ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब एक एंड में ये क्लोज है, एक एंड में ये क्लोज है और एक एंड में ये ओपन है। एक एंड में ये क्लोज है, एक एंड पे ओपन है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। नाउ इसको हम लोग कट करते हैं। नाउ कट करके अगर हम देखें, कट करके हम देखें तो इसमें दो तरह का सेल्स मिलेगा। एक मिलता है आपका क्यूबॉइडल सेल्स और एक मिलता है आपका कोलुमनार सेल्स। ठीक है ना? ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और ना ये जो सेल्स है ये लंबा लंबा सेल्स है, दीज आर कॉल्ड एज कोलुमनार सेल्स। ना कोलुमनार सेल्स ना, अब कोलुमनार सेल्स क्या होता है, क्यूबॉइडल सेल्स क्या होता है, आपको ऑलरेडी ये जो डायग्राम देख रहे हो ये आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का डायग्राम दिखाया गया है। ना जरा देखिए ये आपका टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है पूरा, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स है और बीच बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो पहले आप यहां पे देखिए, अगर सेल्स का लेंथ ज्यादा होगा ब्रेथ से, दैट इज कॉल्ड एज कोलुमनार सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं कोलुमनार सेल्स। लेकिन अगर तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होगा That cells will be cube-like, और उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल सेल्स। और ये क्यूबॉइडल सेल्स जो है ये क्या बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये आगे चल के आपका क्या बनाएगा, दिस विल फॉर स्पर्म। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये आगे चलकर बनाएगा आपका स्पर्म का मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा। चलें एक बात और आप ध्यान दीजिए ना, अभी जो कोलुमनार सेल्स है, ये जब कोलुमनार सेल्स है इसका फंक्शन फिर क्या है? Now, these are also called as, इनका और भी नाम है लाइक सर्टोली सेल्स भी इनको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग सस्टेंटकुलर सेल्स भी बोलते हैं, या इसको हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अब नर्व सेल्स से आपका नाम इसको पता चल रहा होगा, इसको हम लोग नर्व सेल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। ओके, इसको मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म हेल्प करते हैं। सो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस जो है ब्लाइंड ट्यूब है, क्लोज होता है, ब्लाइंड ट्यूब बोलते हैं क्योंकि क्लोज है, एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है। ओके, कट सेक्शन आपने देखा, दो तरह का सेल्स मिला है, क्यूबॉइडल सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया ही आपका आगे जाके स्पर्म का प्रोडक्शन करवाएगा, और एक होता है आपका क्या बोलिए, कोलुमनार सेल्स। कोलुमनार सेल्स का क्या होगा, लेंथ ज्यादा होता है, यस, बेस से, उसको हम कोलुमनार सेल्स बोलते हैं। उसका और भी नाम है, क्या क्या नाम है, सर्टोली सेल्स, सस्टेंटकुलर सेल्स और नर्व सेल्स, जो कि मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है। नाउ एक बात और ध्यान दीजिए, जो बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस था वहां पे पाया जाता है, बोलिए कौन सा सेल्स, लिडिक सेल्स। ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, इंटरस्टिशियल
सेल्स ऑफ टेस्टिस। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज एंड्रोजन, या इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, फटाफट नोट डाउन करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ना इसको हम लोग बोलते हैं लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। यस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। ना एक बात और आप ध्यान दीजिए। ना ये आप देख रहे हैं, यस दीज आर व्हाट स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर व्हाट, यस स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो देख रहे हो, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, यस सर्टोली सेल्स। देखें ये लेंथ ज्यादा है ब्रिज से, दीज आर कॉलमर, और ये स्पर्म मैच्योरेशन हो रहा है। इसका डायग्राम, इसका डिस्कशन आगे भी करेंगे, इसका डिस्कशन हमारा आगे भी लगेगा। नाउ अब हम बात करते हैं यस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है, ट्यूब्यूल्स का। ओके, ट्यूब्यूल्स का, जरा अभी तक जो हमने ट्यूब्यूल्स पढ़ा है उसका एक बार फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, क्या क्या हमने डस्ट पढ़ लिया है। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर द व्हाट सेमीफर्स ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, फिर यहाँ पे आपका बना ट्यूब्यूल रहती, और ये आपका क्या होगा बोलिए मेरे साथ, ये दीज आर व्हाट रीटेड टेस्टिस, दीज आर व्हाट क्या वासा डिफरेंसिया, दिस इज व्हाट एपिडाइमिस, ये एपिडाइमिस हुआ और ये आपका वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस का जो है, वास डिफरेंस पकड़ा आपने, वास डिफरेंस हुआ उसका आर्टरी होगा, उसका वेन होगा, लिम्फेटिक होगा, नर्व होगा, सबको मिला के एक पैक कर दिया गया, एक पैक कर दिया गया। जैसे आप देखते हो ना, तार देखते हो, जो टीवी का तार होता है या टेलीफोन का तार होता है, उसका बाहर कवरिंग खोलोगे देखोगे अंदर बहुत सारा तार होगा, छोटा छोटा तार होता है, उसी तरह से यहां पे पैक कर दिया गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। बोलिए क्या बोलेंगे इस तार को, आपने क्या क्या लिया बोलिए, वास डिफरेंस लिया, उसका आर्टरी लिया, उसका वेन लिया, लिम्फेटिक लिया, नर्व लिया, सबको आपने रैपअप कर दिया। जब रैपअप कर दिया तो कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना, उस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को बोलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। इज दैट क्लियर। चले नाउ जरा पार्क ऑफ स्पर्म आप देखिए, ठीक है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले जाएगा, फिर कहां जाएगा बोलिए रीटेड टेस्टिस में, फिर कहां जाएगा वासा डिफरेंसिया के पास, फिर कहां जाएगा एपिडर्मिस, फिर कहां जाएगा बोलिए वास डिफरेंस तक। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, आगे का हमको देखना है, ठीक है, चले आगे का देखने के लिए हमको पूरा डक्ट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो आप देख लीजिए, ठीक है, लोकेशन भी देख लीजिए। यस, ये पूरा सिस्टम अगर देखेंगे, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है आपका, एक तो स्क्रोटम टेस्टिस आपका लोकेटेड है, और बाकी का सिस्टम कहां है, यस सामने देखिए क्या है, सामने आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और पीछे आपका बोलिए इंटेस्टाइन है, और ये इंटेस्टाइनल का ओपनिंग है, यहां से आपका स्टूल निकलेगा, ठीक है, दैट मींस इंटेस्टाइन या रेक्टम आप बोल सकते हो, इंटेस्टाइन का पार्ट अगर प्रॉपर आप बोलोगे तो रेक्टम है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, ये देखिए टेस्टिस से यहां से वास डिफरेंस गया है, टेस्टिस से यहां से क्या निकला है बोलिए वास डिफरेंस निकला है, वास डिफरेंस पेट में आएगा कैसे, बाय मींस ऑफ ए कैनाल, दैट कैनाल इज नोन एज व्हाट बोलिए इंग्विनल कैनाल। यस, इंग्विनल कैनाल से होते हुए ये आएगा। अब देखिए ये क्या चीज है, यूरेटर है, क्या है बोलिए यूरेटर है, यूरेटर को हुक करेगा सामने से, ठीक है, यस हुक करके, ये अगर डायग्राम आपको देख रहे होंगे, ये यूरेटर देखिए यहां पर काट दिया गया ताकि आपको दिखे, यस ये सामने से गया है, हुक करके पीछे गया है, ये सामने से हुक करके पीछे गया है, अगर आप क्लोज व्यू में इसको अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये यूरेटर यहां पे हमने काट दिया है, दैट मींस यूरेटर को जो किडनी से आ रहा है यूरिन लेकर, और ये यहां पे हुक करके पीछे जा रहा है, ठीक है, जरा देखिए जरा हुक करके पीछे जाके क्या किया, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, इमेज अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए हुक करके पीछे गया, तो ये तुम्हारा ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, दिस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल, इसके डक्ट को हम लोग बोलते हैं सेपुलेटरी डक्ट, और यहां से वास डिफरेंस दोनों आके मिल जाएगा बनाएगा कॉमन सेपुलेटरी डक्ट, ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल जो होगा, उसको हम लोग वास डिफरेंस से जोड़ देंगे,
जुड़ जाता है ऑटोमेटिक, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। अब ये कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट जो है, और यहां से जो आ रहा है क्या, यस यूरेथ्रा, यहां से जो आ रहा है क्या यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में जाके ये ओपन होगा, यूरेथ्रा में जाके ये ओपन हो गया। आई थिंक आपको डायग्राम पूरा क्लियर है। एक बार आपको मैं फ्रंट भी दिखाता हूं, ये देखिए आपका इंटेस्टाइन है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये डक्ट सिस्टम है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, और दो छोटा छोटा और ग्लैंड होता है, छोटा छोटा ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस छोटा छोटा ग्लैंड इज कॉल्ड एज व्हाट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके नाउ ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप, फ्रंट व्यू मतलब इस तरह का व्यू पीछे से लिया गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये गया है कौन, फास्ट डिफरेंस, और उधर से हुक करके आ गया फ्रंट साइड, वो है क्योंकि बोलिए यूरिनरी ब्लैडर क्या रहता है, सामने की तरफ रहता है ना, ये पीछे से आप देख रहे हो, इधर से डायग्राम बनाया गया हो, ठीक है ना। ये जो है आपका सिंगल वेसिकल है, ये सिंगल वेसिकल आके फ्यूज हो रहा है किसके साथ, बोलिए फास्ट डिफरेंस के साथ, और बना रहा है क्या, यस कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, और वो ओपन हो रहा है यूरेथ्रा में, ठीक है। और ये रहा यूरेथ्रा, ठीक है, दैट मींस स्पंज जो होगा यहां से पास होना चालू करेगा, एक बार वास डिफरेंस में पहुंचा, वास डिफरेंस से भी कहां जाएगा बोलिए, यस इजेकुलेटरी डक्ट में, इजेकुलेटरी डक्ट से फिर कहां, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से फिर बाहर, यूरेथ्रा से फिर बाहर। चले चले, तो जरा हम डक्ट सिस्टम का एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, डक्ट सिस्टम का एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखिए क्या चीज होगा, एक तो हो गया आपका यस डक्ट सिस्टम, एंड दूसरा हो गया आपका एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स। नाउ एसेसरी ग्लैंड्स का याद करने का ट्रिक है, यस पीएससी, या बोल सकते हो पुलिस सिविल सर्विसेज, पीसीएस आप बोल सकते हो, ठीक है, पीएससी नहीं, पीसीएस, पुलिस सिविल सर्विसेज एग्जाम है, पुलिस सिविल सर्विसेज, ठीक है। पी से होगा आपका प्रोस्टेट, सी से होगा आपका यस कॉपर्स ग्लैंड, एफ से होगा आपका सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। नाउ ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये जो सेमिनल वेसिकल है, कॉर्पस ग्लैंड है, ये पेयर है, ये टू इन नंबर होता है, दीज आर व्हाट पेयर, बोलिए ये दीज टू ग्लैंड्स आर पेयर, और ये जो होता है प्रोस्टेट जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सिंगल इन नंबर होता है, सिंगल इन नंबर होता है, ठीक है। नाउ डक्ट सिस्टम में आपने देखा, अभी तक डक्ट सिस्टम में अभी आपने देखा स्पर्म कहां कहां से जा रहा है, इंट्रा टेस्टिकुलर, इंट्रा टेस्टिकुलर, फिर आपका आया एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, इंट्रा टेस्टिकुलर में कौन कौन था, टेस्टिस के अंदर में कौन कौन था बोलिए, यस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर कहां गया ट्यूबुली रेक्टाई, ट्यूबुली रेक्टाई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन होता है, फिर आता है आपका रीटे टेस्टिस, फिर आपका आएगा वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, फिर वहीं पे आता है, फिर वहीं पे आता है वासा इफरेंसिया के बाद आता है एपिडाइमिस, एपिडाइमिस के बाद, एपिडाइमिस के बाद फिर आता है एपिडाइमिस के बाद, एपिडाइमिस के बाद फिर आता है एक्स्ट्रा आ जाएगा, दैट इज वास डिफरेंस, फिर आ जाएगा आपका इजेकुलेटरी डक्ट, फिर आ जाएगा आपका यूरेथ्रा, या आप पेनिस बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा स्पर्म ट्रेवल करते हुए आता है, ठीक है ना। अब जरा हम थोड़ा सा बात करते हैं, जरा हम बात करते हैं इस ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है ना, जो एसेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पे सब कुछ हटा दिया गया, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह हटा दिया गया, फिर से हम लोग देखते हैं, ये देखिए टेस्टिस है, ये क्या बोलिए वास डिफरेंस,
ये आप देखो सिंगल वेसिकल डक्ट ऑफ सिंगल वेसिकल के साथ फ्यूज होगा, यस बनाएगा एजेकुलेटरी डक्ट, कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट आप बोल सकते हैं, फिर यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा, और फिर आप ये देख रहे हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट है, ये सिंगल वेसिकल है, ये सिंगल वेसिकल है। जरा एक बार फिर से आइए, हम लोग ग्लैंड डिस्कस करेंगे अब। यस एसेसरी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अभी जो एसेसरी ग्लैंड जो होता है थ्री नंबर होगा। हमारा ट्रिक भी बना रखा है हमने, यस पीएससी पुलिस सिविल सर्विसेज, दैट मींस प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड जो होता है उसका एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो दोनों होता है दीज आर वाट पेयर्ड, और ये कैसा होता है सिंगल, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा सिंगल होता है और कौन सा पेयर्ड होता है। ये आप जो देख रहे हैं अभी क्या है बोलो, यस दिस इज व्हाट कॉपर्स ग्लैंड, या बोलोगे बल्बोस्टर ग्लैंड, ये कौन सा ग्लैंड है बोलो आपका, यस दिस इज व्हाट प्रोस्टेट, नाउ ये सिंगल वेसिकल। Now, एक बात मेरा आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लैंड है ये डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ऑन सेंट्रल वेसिकल ये सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करेगा, सेमिनल फ्लूइड, ये आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट करेगा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, और ये आपका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करेगा, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। ये जो तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन है सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सबको मिलाकर हम लोग बात करते हैं किसका, सेमिनल प्लाज्मा का। तो यहां पे स्टूडेंट डिस्कशन आता है व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा। ओके ना, सेमिनल प्लाज्मा की अगर बात करेंगे इट्स सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स। नाउ यहीं पे एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। अभी सीमेन क्या चीज है ना, जो टिश्यू से जो चीज बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, सिर्फ स्पर्म निकल रहा है। दैट मीन्स स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ये दोनों को अगर आप मिला दोगे दिस इज कॉल्ड एज सीमेन। ठीक है, दैट मींस अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यस मान लीजिए हमने वास डिफरेंस को कट कर दिया, बताइए सीमेन निकलेगा कि नहीं। जी सीमेन तो निकलेगा, अगर मान लीजिए ये रहा टेस्टिस और आपने वास डिफरेंस को कट कर दिया है, यस सीमेन तो निकलेगा, लेकिन उस सीमेन में क्या होगा, सिर्फ और सीमेन प्लाज्मा होगा, और लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म डिफिशियंट सीमेन। एक बात मेरा और आप ध्यान दीजिए ना, ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, यस इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है लाइक फ्रक्टोज, यस ग्लैंड से डिफरेंट ग्लैंड का सिक्रीशन है, फ्रक्टोज है, यस साइट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है और एंजाइम्स होता है, फिफ्थ बाइकार्बोनेट्स होगा, और क्या होगा बोलिए, बाइकार्बोनेट्स होगा। जरा आप ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज का काम क्या होगा बोलिए, यस न्यूट्रिशन।
ठीक है, न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म स्पर्म के न्यूट्रिशन में काम आएगा। यस, फ्रक्टोज जो होगा स्पर्म के न्यूट्रिशन में काम आएगा। एक बात और आप ध्यान दीजिए, कैल्शियम जो होगा यस मोटिलिटी में हेल्प करेगा। बोलिए किसमें हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प इन किसमें, मोटिलिटी। एंजाइम का क्या रोल है हम आगे देखेंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे यस कैपेसिटेशन रिएक्शन। नाउ बाइकार्बोनेट जो होगा यस आप देखिए बाइकार्बोनेट देखिए जो स्पर्म होता है स्पर्म आर पीएच सेंसिटिव ठीक है, कांट टॉलरेट एसिडिक कंडीशन ये एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकता है। सो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, यस इट विल नॉट ओनली न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ यूरेथ्रा, जो यूरिन का ट्रैक हमारा जो यूरिन होता है एसिडिक होता है, जो यूरिन का ट्रैक है उसको न्यूट्रलाइज भी करता है, साथ में अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता है, इवन ये वजाइना में भी जो एसिडिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करता है। सो बाइकार्बोनेट विल न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड वजाइना ठीक है, प्रोवाइड अल्कलाइन कंडीशन। ओके, दिस इज अ व्हाट फंक्शन ऑफ द, दिस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यस सीमेन। सीमेन में क्या क्या होता है, ठीक है, सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन में स्पर्म प्लस सिग्नल प्लाज्मा होता है, और सिग्नल प्लाज्मा में ये सारी चीजें होती है, फ्रक्टोज होगा, साइट्रिक एसिड होगा, कैल्शियम होगा, एंजाइम्स होगा और बाइकार्बोनेट्स होगा। ना जरा एक बात और आप ध्यान दीजिए यस, तो फिर फंक्शन क्या हो गया सीमेन टू फंक्शन ऑफ सिग्नल प्लाज्मा, ठीक है, क्या क्या हो गया बोलिए। सबसे पहली बात यस क्या करवा रहा है ये, यस न्यूट्रिशन दे रहा है। सेकेंड न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच को क्या करता है, बोलिए न्यूट्रलाइज करता है। नाउ थर्ड जो बात करते हैं हम लोग, थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिडिक पीएच को। नाउ थर्ड देखें, जो ग्लैंड है कौन सा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, सिक्रेट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेट करता है जो कि यस ड्यूरिंग एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स यस पेनिस और विजन ट्रैक्ट को ही लुब्रिकेट करता है, हेयर इन फ्रिक्शनलेस सेक्सुअल इंटरकोर्स और अवॉइड फ्रिक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, ना ये तो हो गया आपका सिग्नल प्लाज्मा के बारे में, नाउ अब जो हमारा लास्ट पार्ट बच गया है, यस दैट इज मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। नाउ अब देखें, पेनिस जो है इट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक बात आप बताइएगा, ठीक है, नाउ दिस पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन इट्स अ इरेक्टाइल टिश्यू। कैसा टिश्यू है, यस इरेक्टाइल टिश्यू। दैट मीन्स इट कैन बी अ लूज एट
इट कैन ऑल्सो बी स्टिफ, ठीक है, ये स्टिफ भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन उसके अंदर ब्लड कितना है, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू क्यों है, आप ध्यान दीजिएगा, ये बना होता है स्पंजी टिश्यू का, ठीक है, स्पंज लाइक टिश्यू का बना होता है, ठीक है। आपने बचपन में पेप्सी देखा होगा जो प्लास्टिक पैकेट में बिकता था, ठीक है, या मान लीजिए एक प्लास्टिक लीजिए, पतला सा प्लास्टिक लीजिए, उसके अंदर आप फ्लूइड या आइस भर दीजिए, ठीक है, दैट विल बी टफ स्टिफ, लेकिन अगर उसमें से पानी आप निकाल दीजिएगा वो प्लास्टिक कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू। नाउ ये जो पेनिस है, ये हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। नाउ जो अंदर पाइपलाइन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरेथ्रा, आपको ऑलरेडी पता है यूरेथ्रा, ठीक है। नाउ दिस टिप इज कॉल्ड एज, दिस टिप पार्ट इज नोन एज व्हाट, ग्लैंड पेनिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लैंड पेनिस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लैंड पेनिस। एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये जो है यूरेथ्रा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मियोटिस। नाउ अब ये जो यूरेथ्रा है, इससे दोनों चीज पास करता है, यूरिन भी पास करता है, सीमेन भी पास करता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बोलिए, इट इज कॉल्ड एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बिकॉज इट पासिस यूरिन प्लस सीमेन, ये यूरिन भी पास करता है, सीमेन भी पास करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, बोलिए क्या, यूरोजेनाइटल। एक बात और आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इसके चारों तरफ स्किन की कवरिंग होती है, और इस ग्लैंड पेनिस पे भी स्किन का कवरिंग होता है ना। ये जो पॉइंट है, जहां पे स्किन आके फिक्स हो जाता है, ये जो कंस्ट्रिक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना ग्लैंडिस, नाउ जो ये स्किन है, ठीक है, ये जो होता है रिट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, रिट्रैक्टेबल स्किन होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिप्यूस, और फोर स्किन, देखें, एक बात और आप नोट करें यहां पे, ठीक है, सर्कमसीजन, ये क्या चीज है भाई, अगर प्रिप्यूस को सर्जिकली रिमूव किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमसीजन, ठीक है। तो सर्कमसीजन का मतलब हो गया ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ, प्रिप्यूस और फोर स्किन, ठीक है, ये बेनिफिशियल है हेल्थ साइंस ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये बेनिफिशियल है बिकॉज यहां पे केमिकल सीक्रेट होता है स्मेग्मा, वो अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा फोर स्किन को, तो कंटिन्यूअसली वाश होता रहेगा, वरना ही डिपॉजिट होके बाद में वेरियस डिजीज कॉज कर सकता है। इज इट क्लियर? सो मेल कोप्लेटर कौन है, पेनिस है, एक इरेक्टाइल टिश्यू है, यस, यहां पे यूरेथ्रा पास करेगा, ठीक है। नाउ ये यूरेथ्रा को हम लोग बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरेथ्रल मीटस है, ये ग्लैंड पेनिस है, स्किन जो कवर्ड है, जो फ्रंट में कवरिंग है, इसको हम लोग प्रिप्यूस बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल को हम लोग प्रिप्यूस बोलते हैं। नाउ इसके हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन, ये रहा, इस तरह से हम लोग कट करके एक बार डायग्राम बनाते हैं, ना जब इस तरह से आप कट करोगे तो इस तरह से आपको ये टिश्यू दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, सबसे बाहर स्किन हो गया, इस तरह से तीन इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो पेनिस के अंदर, हैज थ्री इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, दो जो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो होगा ध्यान रखिएगा सिर्फ,
कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो होगा और एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम वो सिंगल नंबर होता है और इसी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से यूरेथ्रा पास करता है। यस एंड दिस इज व्हाट स्पॉन्जी टिश्यू दे विल गेट फिल्ड विद ब्लड, ये ब्लड से भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टिफ हो जाएगा ठीक है। दिस कैविटीज आर कॉल्ड एज साइनोसिस गेट्स फिल्ड विद ब्लड व्हाइल एक्साइटेशन, जब एक्साइटेशन होता है तो ये ब्लड से फिल हो जाता है और पेनिस इस पोजिशन में आ जाता है। ओके मेरी बात को जरा गौर करिएगा, दिस इज व्हाट यूरेथ्रा, सो यूरेथ्रा पासिस थ्रू विच मसल्स, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एंड दैट इज स्पॉन्जियोसम। ओके दैट इज स्पॉन्जियोसम ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके नाउ जिन लोगों को नोट्स नहीं मिला प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा।